वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट मायसेल्फ जितेंद्र त्रिपाठी टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। जैसे कि पिछली क्लास में हमने क्वांटम नंबर के विषय में कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की थी, आज कुछ लास्ट टॉपिक है इसका, जैसे कि मैग्नेटिक करेक्टर, चुंबकीय गुण के विषय में कैसे बताएंगे किसी तत्व का चुंबकीय गुण कैसे है, क्या है। तो आते हैं मैग्नेटिक करेक्टर हियर। देयर आर टू रूल्स, दो नियम है। पहला, इफ एलिमेंट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यदि किसी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसका चुंबकीय गुण हो जाता है पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाता है? पैरामैग्नेटिक। और दूसरी चीज क्या आती है? इफ एलिमेंट कंटेन ऑल ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन, यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो उसका करेक्टर आ जाता है डायमैग्नेटिक। क्या दो नियम है? यदि किसी तत्व में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसका गुण होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक को हिंदी में बोलते हैं अनुचुंबकीय। और यदि उसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो होता है डायमैग्नेटिक, इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। ठीक है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय ना, इसको बोलते हैं अनुचुंबकीय। ये हो जाता है प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो अब आते हैं कैसे आप पता लगाएंगे कि कितने अयुग्मित हैं और उसका चुंबकीय गुण क्या है। तो यहां पर हम कुछ एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे कि एक हमारे पास है Fe+2। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। Fe+2, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। तो हमको इसका चुंबकीय गुण पता लगाना है। तो सबसे पहले यदि कोई भी आपको इसमें एक क्वेश्चन और भी बन जाएगा, क्वेश्चन ये बन जाएगा किसी भी धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे। धनायन का और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए भी आता है। तो जब भी किसी तत्व या आयन का दिया जाए तो सबसे पहला आपका काम होता है उसके परमाणु, यानी कि बिना चार्ज बिना आवेश के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। 26 का क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। शायद 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये निकल गया था। प्रारंभ में दोनों युग्मित हैं, एस में एक कक्षक होता है, दो इलेक्ट्रॉन है उसमें, युग्मित हैं। तो जहाँ तक युग्मित हैं वहाँ तक कुछ नहीं, बेसिकली इसको देखा जाता है सबसे आखिरी वाह उसकी क्या स्थिति है। ये युग्मित, ये भी युग्मित है, ये भी युग्मित है, ये भी युग्मित है, ये भी युग्मित है, ये भी युग्मित है। सबसे लास्ट में देखिए तो स्थिति डी में 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आपको इसमें दिख रहे हैं ये युग्मित है, पेयर, ये पेयर नहीं है। 1, 2, 3, 4 तो नंबर ऑफ अनपेयर कितने हो गए? 4। अगर अनपेयर 4 हैं तो इसका करेक्टर क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक।
ऐसा हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक। लेकिन हमारा प्रश्न Fe के लिए नहीं था, हमारा प्रश्न था Fe प्लस टू के लिए। अब यहाँ पर हम सीख रहे हैं कैसे किसी घनायन का लिखा जाता है। तो प्लस टू का मतलब होता है इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाले जाते हैं? किसी भी तत्व के बाह्य कोष से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। तो बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाले जाएंगे, 3D6 से निकाले जाएंगे या 4s से निकाले जाएंगे? आप लोग घनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, बच्चे यहाँ से निकाल देते हैं। एक्चुअली में सबसे बाह्य कोष है 4, तो चौथे कोष से निकलेगा ना कि तीसरे से निकलेगा। जब ये खाली हो जाएगा तब यहाँ से निकाला जाएगा। तो प्लस टू में कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और क्या बचेगा यहाँ पर लास्ट में, 4s खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा, 4s0 और 3d6। तो 3d6 का फिर वही बन जाएगा, 3d6 में क्या जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी भी इसमें अनपेयर कितने, अनपेयर इसमें 4 ही है और इसका भी करेक्टर पैरा मैग्नेटिक है। क्या है, पैरा मैग्नेटिक। अब इसी में मैं एक और काम ऐड जोड़ देता हूँ, +3। तो +3 कैसे बनाया जाएगा, तो +3 कैसे बनाया जाएगा, +3 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, यहाँ से नहीं, इसके ओरिजिनल से निकालने पड़ते हैं, यानी जो इसका एटम होता है वहाँ से निकालने होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाएंगे, 2 तो ये जाएंगे और 1 यहाँ से जाएंगे। तो स्थिति क्या बनेगी जाकर के, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये तो ठीक है, 4s हो गया खाली और 1 जाएगा डी से, तो डी में बचेंगे 5। अब डी को बना के देखिए, तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5। कुंड के नियमानुसार हटिए गए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए, 5। अब इसमें भी अनपेयर्ड है, इसका करेक्टर क्या हो गया, फिर से पैरा मैग्नेटिक। बात समझ में आई किसी धनायन के लिए। अब इसमें एक प्रश्न हम और करेंगे भी मिला, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन है जिंक के। आते हैं अगला प्रश्न, आते हैं जिंक के लिए। जिंक प्लस टू में निकालना है, जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको जिंक 30 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। क्या आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। कैसे, 2, 2, 4, 2, 6, 10, 12, 6, 18, तो 20, 10, 30 हो गए पूरे 30। अब हमको इसमें बाय कोस में ध्यान देखिए, ये भी पूरा भरा है, ये भी पूरा भरा है, ये भी पूरा भरा है, ये भी पूरा भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ है, ये भी, यानी D10 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो D10 के केस में 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 तो ये हो गए और 5 हो गए अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ऑल ऑफ पेयर क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ पेयर सभी युग्मित हैं, करेक्टर क्या हो गया, डाया मैग्नेटिक। बात समझ आ गई। अब हम निकाल रहे हैं, एक्चुअली में हमारा क्वेश्चन क्या था, जिंक प्लस टू के लिए। तो जिंक प्लस टू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाले जाएंगे, 3d10 से निकाले जाएंगे या 4s2 से, 4s2 से निकाले जाएंगे, बाय कोस से निकालते हैं। क्या निकल के आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 और फिर से हम देख रहे हैं कि 3d10 में उतने ही इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो
इसका भी चुंबकीय गुण क्या होगा जा करके, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, इसमें भी आप देख रहे हैं क्या है, सभी युग्मित हैं ऑल ऑफ पेयर। इसका भी गुण क्या आ गया, डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक हो गया। एक ऋणायन का करके देख लेते हैं, बात सुन में आ गई इसमें। अगला क्या है, ऋणायन के लिए करके देख लेते हैं, निगेटिव के लिए। वो ले लेते हैं Cl माइनस, क्या ले लेते हैं Cl माइनस, परमाणु क्रमांक 17। तो सबसे पहला काम क्या होगा, परमाणु क्रमांक 17 के लिए देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। तो सबसे बाय मोस्ट में ध्यान दीजिए, टी है, टी में तीन कक्षक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ अनपेयर कितने दिख रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर हैं खाली कितने हैं, एक अकेला, ठीक है। चुंबकीय गुण क्या हो गया, पैरा मैग्नेटिक, सुनियाई। और मुझे क्या बनाना था, Cl माइनस, Cl माइनस बनाने के लिए अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुझे डालना होगा, तो डालने के लिए भी बाय कोस में ही जाएगा। अब बाय कोस में 3p है, तो यहाँ पर जगह है, यहीं पर इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा, क्या आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 था, एक चला गया, कितना हो गया 6। तो p में होते कितने कक्षक, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या स्थिति आ गई, ऑल ऑफ पेयर, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, तो करेक्टर क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। बात सुनिए, तो कुछ इस तरह से प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यह है चैप्टर में सभी चीज़ें बता दी गई आपको, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, चैप्टर इज कंप्लीटेड, ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, दिस चैप्टर।